तरीके से देखा जाए तो जो है 2024 के लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है तो लगातार आज छठे चरण का जो है चुनाव है जहां पर मतदान हो रहा है। मतदाताओं में देखा जाए तो काफ़ी जिस तरीके सुबह से ही जो है मतदान हो रहा है और लोगों में एक उत्साह है, लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं आखिर जिस तरीके से आप लोग जो है मतदान करने आए हैं तो क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, अब की बार क्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या सोचे हैं, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? जो भी होगा अच्छा होगा। इससे लगातार चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं चाहे गठबंधन के लोग हैं, तो वहाँ जो है एक पक्ष एक कहता है कि महंगाई है, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, लोगों से लोग तबाह हैं, एक तरफ कहता है कि हम राष्ट्र के उसके राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोग महंगाई और सारी चीज़ें रोजगारी बेरोजगारी की बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या सोचकर वोट करेंगे? जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस इतना ही हम जानते हैं। क्या होगा आपकी बात? अच्छा ही होगा, बदलाव होगा जरूर। क्या है यहाँ पर विकास के बारे में कैसे? सब कुछ अच्छा ही है, जो ठीक ठाक चल रहा है कार्यक्रम। देखिए मतदाता हैं ये और इनसे बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम आपसे भी जानना चाहते हैं और क्या कहेंगे इस जो लगातार जिस तरीके से मतदान हो रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि ये गर्मी का जो मौसम है जहाँ पर कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बूथें हैं यहाँ पर, देखिए कितनी जो है कम संख्या है, काफ़ी संख्या की जो है कमी है, लोग जो है कहीं ना कहीं गर्मी का असर है, जो उमस की जो गर्मी है लोगों में, कहीं ना कहीं लोग जो है मतदान करने में जो है कहीं ना कहीं निकलना नहीं चाह रहे हैं कि गर्मी को तो काफ़ी असर देखने को मिला। देखिए पूरी तरीके से ये सूनी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, एक दो लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है एक महापर्व है देश का जो कि है, और 2024 का जो है 61 लोकसभा चुनाव ये बस्ती है जो कि अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि अब की बार क्या हो रहा है और कहीं ना कहीं ये पूर्वांचल में जिस तरीके से अब की बार वोट हो रहा है क्या कहेंगे? देखिए गर्मी तो है और उमस भी ज़्यादा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पे भीड़ अधिक थी क्योंकि लोगों ने शुरू से मतदान करने का विचार बनाया था कि 7 बजे सुबह हम लोग लाइन में लगेंगे, तो 7 से 8 भीड़ अधिक थी। अभी कुछ देर पहले यहाँ संख्या कम हुई है, ये सही है कि धूप के कारण अभी लोग निकल नहीं रहे, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है और गाड़ियाँ आ रही हैं, लोगों को निकाल करके यहाँ तक लेके आ रही है, गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, संख्या जो भी है कुछ लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ समाज सेवी जो है वो लोग लगाए हुए हैं, पार्टी के लोगों के द्वारा भी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, उससे लोग निकल रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो है, अब की बार यह लोकल मुद्दे पर वोट हो रहा है या फिर जो है राष्ट्रीय मुद्दे पर, क्या कहेंगे? देखिए केंद्र का चुनाव और राष्ट्रीय मुद्दा है, देश हित में हमेशा यहाँ की जनता ने वोट दिया है, क्योंकि यहाँ का समीकरण कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता मतदान करती है। 2014 में जिस तरह से यहाँ की जनता ने श्री हरीश द्विवेदी जी को लोकसभा में भेजने का कार्य किया था, उस समय तो एकदम से नहीं लग रहा था, फिर 2019 में दोनों लोग सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी, उस समय तो समीकरण एकदम भाजपा के पक्ष में नहीं था, उसके बाद ही विकास को देखते हुए यहाँ की जनता ने जो 5 साल हरीश जी का काम था, 5 साल मोदी जी का काम था, उसको देख करके जो जनता ने विश्वास जताया था, आज सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह से बस्ती को रिंग रोड देने का कार्य किया है हरीश जी ने, उनके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हुए बस्ती नगर में जहाँ महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है यहाँ पे गैस पाइपलाइन का कार्य हुआ है, कई ऐसे सड़कें थी जो जर्जर थी उसको बनवाने का काम किया उन्होंने, तो नगर बस्ती नगर में ऑडिटोरियम हो गया। हम आपके पास आ रहे हैं फिर हमसे हमारे साथ और कुछ लोग हैं जी, क्या मुद्दे हैं जैसे तमाम बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, किस मुद्दा ठीक है, मुद्दा में कोई दिक्कत ना है, मुद्दा सही चल रहा है, जो काम कर रहा है उसे वोट दिया जाएगा। ठीक, इनका कहना है कि जो काम कर रहा है उसको वोट दिया जाएगा। हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे क्या रहेगा ऐसे में इनका मुद्दा और तमाम चीज़ें जो है, लगातार लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और अभी हमारे साथ ये जो कि शिवहर्ष उपाध्याय किसान इंटर कॉलेज में यहाँ पर मतदान हो रहा है जी, मैं आपसे जानना, ये देश की आधी आबादी जो कहा जाता है कहीं ना कहीं ये भी जो है अपना मतदान करने आए हैं, तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं क्या सोचकर अब की बार, क्या मुद्दे हैं जो है जिसको लेकर के आप मतदान किए हैं? बेरोजगारी, महंगाई,
और सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है, बढ़ता हुआ GST जो आजकल हर आम आदमी को प्रभावित कर रहा है, यही सबसे मुख्य मुद्दे हैं जिनको देख कर हर व्यक्ति को वोट करना चाहिए, करने के लिए निकले और हम भी निकले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है ये राष्ट्र मुद्दे की बात करते हैं लोग, और ये कोई लोकल मुद्दे भी होते हैं, तो लगातार लोग जो है राष्ट्र की बात करते हैं और लोकल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, राष्ट्र की बात ठीक, लेकिन जब तक आप लोकल मुद्दों को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र पर उठने वाले मुद्दे या सॉल्व होने वाले मुद्दे लोकल मुद्दों के जीवन पर प्रभाव कम डालते हैं। जब लोकली आप सेटिस्फाइड होंगे, आपका आम जीवन सेटिस्फाइड होगा, तो ही राष्ट्रहित में जो ऊपरी स्तर पर जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे हमारा G20 सम्मेलन हो या इसके अलावा जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ हो जिन पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तभी कारगर होंगे जब हम आम जीवन में संतुष्ट होंगे। जब हम यहाँ संतुष्ट नहीं तो G20 हमारा कुछ हित में नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। महिलाओं को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं जो है मतदान कर रही हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं महिलाएं क्या सोच करके वो मतदान करेंगी? हर वो महिला जो मतदान करने आ रही है, अगर वो ये कहती है हम सुरक्षित हैं और हम वोट कर रहे हैं, तो वो मणिपुर को याद करके ही वोट करें। जी, अब साफ तौर पर आपका कहना है कि मणिपुर की जो है याद करके लोग जो है मतदान करेंगे, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। और तमाम लोग यहाँ जो है अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो काफ़ी असर देखने को मिल रहा है और ये बूथ जो है सूने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उमस की जो काफ़ी जो है देखा जाए उसका असर है साफ तौर पर। जी, आपसे जानना चाहते हैं अब की बार क्या रहेगा, महंगाई रहेगी या फिर जो है राष्ट्र मुद्दे रहेंगे, क्या क्या सोच कर? महंगाई तो इस समय चरम सीमा में है, अब इसके बाद वोट के बाद महंगाई रहेगी कि डाउन होगी तो चुनाव के बाद ही पता। इंडिया गठबंधन की जो बात है, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सारी चीज़ें के मुद्दा उठा रही है, क्या जनता इस पर जो है अब की बार विचार कर रही है, या फिर जो है जो ये भाजपा की सरकार है लगातार ये भी अपने मुद्दे बता रहे हैं कि हम जो है मंदिर बनवाए हैं, ये सब सारी चीज़ें मुद्दे रख रहे हैं, किस पर वोट करेंगे? आएंगी तो आएगा तो भाजपा ही, और कोई गठबंधन आने वाला नहीं। यही हमारी वो है, शुभकामनाएँ हैं, और ये है कि थोड़ा विचार ये किया जाता है कि महंगाई बहुत चरम सीमा का पर है, बेरोजगारी भी है, इस पर भी उनका ध्यान होना चाहिए। इसलिए लगातार 10 सालों से यहाँ सरकारें रहीं और लगातार उनसे क्या इन सब चीज़ों पर अभी तक विचार क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या आपकी विचार, आपके मन में क्या है? विचार ये है कि मोदी जी इस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन उनका शासनकाल बेहतर गठबंधन से तो अच्छा ही रहेगा। यही जी, साफ तौर पर आपका कहना है कि जो है जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपका कहना है कि हर महंगाई भी है और सारी चीज़ों को मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि इस पर जो है सरकार को ही उस पर जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो जो उत्साह और उमंग जो है मतदाताओं में होना चाहिए, आप इसमें यहाँ देखा जाए जो कि शहर का ये बूथ है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हम लगातार लोगों से बात भी किए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज़ें आ रहे हैं कि जो है लोग भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों को देखकर कर रहे हैं मुद्दे, वो मतदान कर रहे हैं, तो और आपस की जो बातें हैं जो है लगातार लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है, लोगों से बात भी किया जा रहा है, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, कुछ लोगों का महंगाई मुद्दा और महिला की जो चीज़ें आती हैं, आधी आबादी की जो बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि कुछ जो महिलाओं के साथ कुछ महिलाएं कहना है कि मणिपुर की घटना को देख करके जो है महिलाएं याद करके जो है मतदान करें। तो ऐसे में लगातार देखा जाए तो हमारे साथ जो है एक देखिए बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे अब की बार क्या सोचकर मतदान की है। भैया ठीक बात नहीं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो क्या होगा अब की बार जो है ये मतलब जैसे क्या होगा, बदलाव होगा या फिर क्या रहेगा? बदलाव हो चाहिए, मने रोजी रोजी मिले लड़कन का और का चाहिए, गरीब मने का खाए, हाँ गरीब मने का खाई और का नहाई, ये चाहिए और का चाहिए। तो देखिए आपका कहना है कि जो है रोजगार होना चाहिए और कैसे गरीब जिएंगे और इसी सब चीज़ों को लेकर के ये मतदान किए हैं, तो लगातार मतदान अभी भी जारी है। और ये सिवर्स किसान इंटर कॉलेज है, सिवर्स उपाध्याय किसान इंटर कॉलेज है, और लगातार लोग आ भी रहे हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे जी अब की बार क्या रहेगा मुद्दा, और महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब सारी चीज़ों की जो मुद्दाएं उठ रही हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो बात लोग कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? विकास का मुद्दा सर्वप्रथम रहेगा और विकास पर ही वोट देंगे हम।
देश हित का मुद्दा और विकास का मुद्दा। आपका कहना है विकास का मुद्दा, जो कि विकास के नाम पर वोट देंगे, देश हित की बात करते हैं, तो ये लगातार लोगों में जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता जो जो है यहाँ होना चाहिए, जिस तरीके से जो भीड़ होनी चाहिए, वह मायूसी छाई हुई है। जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो नहीं है। बस्ती से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए बबुंदर यादव।